नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2019-20 एट्थ वाले जो बच्चे हैं उन्होंने नाइन्थ के लिए एंट्रेंस एग्जाम फाइट किया। 2 फरवरी को एग्जाम हो जाने के बाद बच्चों को कुछ राहत मिली कि चलो अब एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन उनके लिए एक और भी जानकारी होगी मेरी ओर से कि अब उनको क्या गलती नहीं करनी है, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं जल्द से जल्द। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की सारी जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक एक्स स्टूडेंट, 2017 से मैंने किया है पास आउट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो उसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ और 35 क्वेश्चन साइंस के आपके आए थे। तो कहा जाए तो मैंने सबकी जो आंसर की है वो हमारी वेबसाइट पर भी रिलीज कर दी है और उसके आपकी जो आंसर की है इसके वीडियोज भी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोज या हमारी वेबसाइट को अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है allrounderbss.online, आप वहां पर जाकर भी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो मैथ के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके बताइए कि भाई इनका आंसर ऐसे क्यों आ गया। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ फाइल का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं और आपकी जो आंसर की है उसका पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं। तो चलिए मैं सबसे पहला जो मैथ का क्वेश्चन है 31वां उसको सॉल्व करता हूं, आपको बताता हूं कि क्या था। जैसे कि 31वां क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन सही से सुनना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। हिंदी वाले बच्चे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। मतलब कि देखिए, मैंने आपको क्या बताया था रेशनल नंबर के बारे में, मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। अब यहां पर जो ये दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 ये सब के सब रेशनल नंबर से। अब यहां पर एक चीज आई है एडिटिव आइडेंटिटी, क्या आई है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उस संख्या पर कोई भी फर्क ना पड़ता हो, कोई भी फर्क ना पड़ता हो। तो जैसे देखिए, मैं अगर मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 5, अगर मैं 5 में 1 को जोड़ू तो वो 6 हो जाता है, मतलब कि संख्या चेंज हो रही है। यहां पर मैं अगर 5 में 2 ऐड करता हूं तो ये 7 हो जाता है, मतलब कि ये 5 7 में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं 5 में 3 को जोड़ता हूं तो 8 हो जाता है, मतलब कि ये भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं 5 में 0 जोड़ दूं, 6 में 0 जोड़ दूं, 7 में 0 जोड़ दूं, किसी में भी अगर 0 जोड़ता हूं तो वो हमेशा संख्या सेम ही रहती है, मतलब कि उस संख्या में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज 0। तो हमारा जो आंसर था वो था ए, 0। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, 32वां क्वेश्चन जो क्या कह रहा था, वो कह रहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1 इज। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए लिखा गया है 0/1 का गुणन प्रतिलोम है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि 0/1 का रेसिप्रोकल इनवर्स। रेसिप्रोकल इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल इनवर्स इसका मतलब होता है कोई भी संख्या का किसी ऐसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना ताकि हमें हमेशा 1 मिल जाए। क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। क्या मिलना चाहिए, 1। मतलब कि जैसे मैं अगर 2 के रेसिप्रोकल इनवर्स की बात करूं तो हमेशा 1/2 होगा, क्योंकि जैसे ही मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे हमेशा 1 मिल जाता है। तो रेसिप्रोकल इनवर्स का मतलब क्या था, यानी कि किसी ऐसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो कि हमें 1 मिल जाए। तो अगर हम 0/1 की बात करें, यहां पर हमें मिला हुआ है 0/1। तो अब देखिए
जीरो बाई वन को चाहे आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो हमेशा जीरो ही मिलेगा, चाहे वो एक लाख हो चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए हमारा आंसर था अनडिफाइंड, अनडिफाइंड जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था, अनडिफाइंड जिसे कहा जाता है परिभाषित नहीं, यानी कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमारा आंसर 32वां हो जाता है सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ओड यूनिट डिजिट। क्या कहता है कि निम्न में से किस में विषम इकाई संख्या होगी, निम्न में से किस में विषम इकाई संख्या होगी, मतलब कि आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक तो 52 का स्क्वायर यहां पर मिल चुका है हमें, एक हमें मिल चुका है यहां पर 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर एंड 58 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमें ये सब मिल जाते हैं। अब यहां पर हमें क्या कहा गया है कि यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस यानी कि जो इकाई का अंक है वो हमें ओड नंबर चाहिए। तो हमें सबसे पहले इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई का अंक, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 1, 2, 3, 4, तो इसमें अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूं तो क्या है 4, अगर मैं 124 की बात करूं तो 4, 121 की अगर बात करूं तो 1। तो हमें सबसे पहले बात ये मालूम है कि यूनिट प्लेस होता है जो सबसे पहले आता है राइट हैंड साइड में। अब यहां पर बात आती है ओड यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके अंदर दो का भाग ना जाता हो, तो वो कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये पांच संख्याएं हैं। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर ये है तो वो संख्या विषम संख्या होगी। तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 52 का स्क्वायर, तो कई सारे बच्चों ने गलती ये की होगी कि सीधा सीधा उन्होंने 52 का पूरा पूरा स्क्वायर किया सॉल्व। वैसे आप ये कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपका वक्त बहुत ज्यादा खराब हुआ होगा। इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। शॉर्टकट ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि अगर आपको यूनिट प्लेस की बात की जाए तो हमेशा हमेशा यूनिट प्लेस को स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी करना कर दो। तो जैसे यहां पर दो है तो दो का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा 4 ही होगा। यहां पर 56 की बात करें तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यानी कि 6। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 57 का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 यानी कि 9। तो यानी कि हमारा आंसर जो सी है, सी यानी कि 57 का जो स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो हमेशा 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। इसीलिए हमारा आंसर है 57 का स्क्वायर। ओके, तो ऐसी गलती कई सारे बच्चों ने की होगी, लेकिन हमारा जो आंसर है उसको मैंने फुल डिटेल आपको समझा दिया है कि ये क्यों आया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर। अब बच्चे कई सारे कंफ्यूज हुए होंगे, उन्होंने सबसे पहले 52 का स्क्वायर फाइंड आउट किया होगा, फिर इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया होगा, फिर दोनों के बीच में माइनस किया होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की होगी एग्जामिनेशन हॉल में और शायद उनको प्रॉब्लम आई होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना था आपको, यहां पर एक आइडेंटिटी यूज करनी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। कुछ भी नहीं करना था, क्या दिया हुआ है 53 का स्क्वायर एंड 52 का स्क्वायर, इनके बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं, क्या दिया हुआ था इनके बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको बता चुका हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आगे आगे बढ़ते जाओ वो सब प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे कि मैं अगर 1 से 5 के बीच की बात करूं, बीच की बात कर रहा हूं मैं, बीच की, बीच का मतलब 1 को भी हमें छोड़ना है और 5 को भी हमें छोड़ना है, इनके बीच में होगा 2, 3 और 4, ये 3 संख्याएं हैं जो 1 और 5 के बीच में लाई करती है। लाई करने का मतलब जो बीच में आती है। ओके, तो यहां पर हमने बात की थी इसके बारे में। ओके, अब जैसे मैं देखिए 5 और 1 और 5 के बीच बात करूं तो 5 माइनस 1 करता हूं तो क्या आता है 4, लेकिन बीच में कितनी संख्याएं हैं 3 ही है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना माइनस करते समय भी आपको 1 माइनस एक्स्ट्रा में करना है, 1 माइनस हमेशा एक्स्ट्रा में करना होता है, क्योंकि हमने इस 5 को भी हमने साथ में लिया है। ठीक है, इसीलिए 1 ज्यादा करना माइनस तो आपको आपका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि इनके बीच में 3 संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 1, बस आपको इतना करना था और कुछ भी नहीं करना था। क्या आता है यहां पर,
क्योंकि मैं यहां पर ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, एक बार जोड़ना है एक बार माइनस करना है, तो 53 प्लस 52 एंड 53 माइनस 52 एंड सबको ऐसा सॉल्व करके माइनस में वन कर देना है, यानी कि ये सब सॉल्व हो जाने के बाद एक और माइनस कर देना है। अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो 105 आता है, क्या आता है 105, 50 इसमें से इसको माइनस किया तो 1 और माइनस का 1 कर दिया, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई में है, तो 105 में से एक माइनस किया तो 104, तो हमारा आंसर क्या आ गया 104। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 104 वो आपका सही आंसर होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना नेचुरल नंबर्स अगर कहीं पर भी निकालने हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं मुझे 60 और 80 के बीच में कितने नेचुरल नंबर से निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना है मुझे 80 माइनस 60 माइनस 1 करना है, बस माइनस का 1 हमेशा करना होता है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो ये क्या होता है 20 माइनस 1 यानी कि 19 संख्याएं हैं जो कि इनके बीच में आती है। ओके, तो ये मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूनिट प्लेस इन क्यूब ऑफ 143 इज, यानी कि 143 में घन में इकाई का अंक क्या होगा, 143 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बच्चे गलती कर चुके होंगे, यानी कि 143 का जो क्यूब है इसमें यूनिट प्लेस क्या होगा। अब यूनिट प्लेस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं शॉर्टकट ट्रिक, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 143 मल्टीप्लाई बाय 143 मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया, तो बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं करना था, 3 3 3 इनको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 3 × 3 × 3 × 3 9 9 27 यानी कि 7 यूनिट प्लेस हमारा हो गया 7, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका है सी वो आपका सही ऑप्शन है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सी संख्या एक परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब जिसका हम सही से क्यूब निकाल सके, सही से उसका घन मूल निकाल सके, जैसे कि यहां पर संख्याएं आपको दी हुई है 2836 4094 1828 1331, तो ये एक बात आती है। देखिए वैसे आप इसका है ना शॉर्टकट, यानी कि एक ऐसी मेथड आती है उससे भी आप इनको सोच सकते हो कि भाई कौन सा परफेक्ट हो सकता है कौन सा परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वो मेथड थोड़ी एडवांस मेथड है जो आपके शायद मेरे हिसाब से जब आप 12th पास करोगे या फिर जब आप 12th में होंगे उस समय शायद आपको उस मेथड के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल मैंने आपको बताया था कि 20 क्वेश्चन हार्ड आएंगे, 20 क्वेश्चन इजी आएंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो मीडियम होंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा मैं हार्ड वाला में मान लेता हूं, क्योंकि इसमें वैसे हार्ड तो कुछ नहीं है लेकिन ये थोड़ा वक्त ज्यादा लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले जैसे कि ये दिया हुआ है इसको हम चेक करते हैं कि भाई क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो हमें क्या करना है इसका एक क्यूब निकाल के चेक करना है। ठीक है, अगर क्यूब निकलता है तो अच्छी बात है, ना निकलता हो तो हम देखिए यहां पर जैसे हम 1331 की बात करें तो इसमें देखिए 11 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है देखिएगा यहां पर जो 11 का भाग जा रहा है एक बार, ठीक है एक बार जो 11 का भाग गया फिर पीछे बचा 2 और 3 यानी कि 2 बार गया फिर बचा 1 121 आ गया, फिर हमने यहां पर किया। और वैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों 15 तक आप क्यूब सारे के सारे याद कर लेना, अगर आपको क्यूब सारे याद होते तो सीधा सीधा आपको मालूम पड़ जाता कि भाई 11 का क्यूब क्या होता है 1331, या आपको याद होना चाहिए था क्योंकि ये कोई भी एक क्यूब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर 11 का भाग देता हूं, यहां पर 11 आता है 11 करता हूं 1 आता है, यानी कि 11 × 11 × 11 × 11 × 11 यानी कि 11 का क्यूब, यानी कि ये जो है ये एक परफेक्ट क्यूब होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं, इसके बाद मैं आपके साइंस के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। अब जैसे देखिए 37वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अंडर रूट यानी कि क्यूब रूट में दिया हुआ है, इफ क्यूब रूट ऑफ 0.000125 इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू में निकालनी थी, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या था यहां पर,
ये तीन दिया हुआ था 0.00025 है ना, हाँ 125 ये आपको मिल जाता है। और इसको आपको x बताया गया है, तो अब पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कि कुल मिलाकर हमें इसको सॉल्व करना है बस। अब क्यूब रूट निकालने का मैं आपको बता चुका हूं क्या करना होता है, कि भाई जैसे कि कोई भी संख्या आपको मिल चुकी है उसको, यानी कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे x का अगर मैं क्यूब रूट की बात करूं, क्यूब रूट की मतलब कि इस x के एक हमें कुछ ऐसे पार्ट्स करने हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिल जाए, ये जो x है ये हमें वापस मिल जाए। इसी प्रकार से मैं यहां पर समझाना चाहता हूं आपको कि ये इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है, तो कुछ नहीं करना था। ये बच्चे यहां पर कंफ्यूज हुए होंगे यार बीच में पॉइंट है, पॉइंट का क्यूब रूट कैसे निकाले, कुछ भी नहीं करना था, सीधा 125 का क्यूब रूट निकाल दो। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 125 पांच का भाग दिया 25 बार, पांच का भाग दिया पांच बार और ये एक, यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि 125 का जो क्यूब रूट है वो है 5, कितना है 5, यानी कि ये जो है 125 इसका क्यूब रूट है 5, इतना हमारे पास आ गया। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं, बच्चे यहां पर इन जीरो जीरो के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो कुछ नहीं करना था, मैं आपको बता भी चुका हूं एक वीडियो में कि जो पॉइंट है ना इन पॉइंट के पीछे कितने जीरो हैं, जैसे तीन यहां पर मिल चुके हैं। अब क्यूब का मतलब होता है कि तीन भागों में बांटना, तो ये जो है यानी कि जैसे 125 को हमने बांटा 5 × 5 × 5, इसी प्रकार से ये जो जीरो जीरो है, जीरो 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 है, इनको भी आप बांट दो। अब कैसे बांटना है, 05 यानी कि बीच में आ गया पॉइंट, 0.05 फिर से 0.05, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.05, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप 0.05 को फिर से मल्टीप्लाई करते हो 0.05 तो आपको फिर से ये की ये चीज वापस मिल जाती है। तो कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ी सी आपको साइकोलॉजी यानी कि थोड़ा सा एक माइंड का सेट करना था कि भाई 125 का तो क्यूब होता है 5, अब जो पीछे इसके आगे तीन और दिए हुए हैं जीरो, उनको सब जो एक एक जीरो है वो बांट दो, एक जीरो पांच में बांटा, एक उस पांच में बांटा, एक उस पांच में बांटा, ऐसे जितने पांच थे उन सब में हमने एक एक जीरो बांट दिया, बस इतना सा काम करना था। अब देखिए इन ए नंबर पैटर्न 27, 64, 125 y, the value of y will be, कुछ नहीं दिया हुआ है, थोड़ी सी। अब कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें रीजनिंग आती है, तो ये वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि एक या दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं रीजनिंग के, तो कुछ नहीं है यहां पर 27, 64, 125 then y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 27 क्या है, 27 यहां पर है क्या है, तीन का क्यूब है, क्योंकि तीन का क्यूब कितना होता है 27, 3 × 3 = 9 और × 3 = 27। इसी प्रकार से चार क्या है, ये 64 क्या है, चार का क्यूब है, क्योंकि 4 × 16 = 64। 125 क्या है, पांच का क्यूब है, तो यहां पर क्या आएगा, 6 का क्यूब आएगा बस, यानी कि हमें कंटिन्यूटी बैठानी थी बस और कुछ नहीं करना था, तो 3 × 4 = 5 × 6 आ गया था, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 6 × 6 × 6 होता है 36 और 6 × 6 = 36 का 6 ऊपर लगा 3 × 6 = 18 और 3 × 21 = 216। ये हमारा आंसर आना चाहिए था, वाई की वैल्यू 216 आनी चाहिए थी। चलिए अब बच्चे मुझे ये बता देना कि आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं सही, ठीक है, बच्चे बताएंगे नहीं भाई ना, कह रहे कि यार सब गलत हो गए, कई ऐसे बच्चे कई सारे थे जो कहते हैं सर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे 80 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे 90 क्वेश्चंस, तो वो कॉन्फिडेंस हमारा बन जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तब हम सोचते हैं कि मेरा सब क्वेश्चन सही है, लेकिन जब हम उनको वापस चेक करना कोशिश करते हैं तब कहते हैं यार ये भी गलत, तो कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है। अब देखिए 39वां क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000040 इज,
अब देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब कि उसको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उसको किसी और फॉर्म में चेंज करने पर भी उसकी जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 0.0000, ये चार बार जीरो और एक पांच जीरो है ना, 5 times 0 = 40। अच्छा ये दिया हुआ है हमें, इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का मतलब कुछ भी नहीं करना था। मैं आपको एक ट्रिक बता भी चुका हूं और एक बार फिर से बता देता हूं कि जब कभी आपको इनको यानी कि 4.0 × ऐसे कुछ चेंज करना है, ओके, तो हमेशा याद रखना कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप जैसे जैसे इस पॉइंट को जैसे यहां पर आप क्या करना है, सबसे पहले लेना है 1 यहां पर, क्योंकि जब आप 1 लेते हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो जैसे कि यहां पर मैंने 1 लिया, ओके, अब जैसे मैं इस पॉइंट को यहां से लेकर यहां पर लेके जाता हूं इस पॉइंट तक, तो ये यहां पर 1 आ जाता है 0। जैसे ही मैं यहां से अटैक कर यहां पर लेके जाता हूं तो 1 0 और, यहां से अटैक कर यहां ले जाता हूं तो 1 0 और, यहां से हटाया यहां ले गया तो 1 0 और, हटाया यहां ले गया 0, हटाया यहां ले गया 0। अब मुझे नहीं हटाना है क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन में 4.0 दिया हुआ है, मतलब कि हम 4.0 यहां तक पहुंच चुके हैं। अब बात यह आती है कि मल्टीप्लाई में 10 की जो ऊपर आएगा -1 -2 -3 ये क्या आएगा, इसके बारे में सोचना है। तो ये तो साहब यहां से कैंसिल हो गए। अब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी संख्या के साथ अगर यानी कि अगर 4 के पीछे अगर 0000 होते, बीच में अगर कोई पॉइंट ना होता और 0000 होते, तो हम इसको लिखते 4 to the power 1 2 3 4 5 6, तो 10 to the power 6। ये जो 6 आता है ये 6 आता पॉजिटिव में अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में यानी कि इसके 4 के पीछे है, लेकिन ये सारे के सारे 0 4 के नीचे है, भाग में है, देखिए इस लाइन के नीचे है। तो हमेशा क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 4.0 बाई। अब आपको मैंने क्या बताया, चाहे 4 हो चाहे 4 हो चाहे 1 हो, जैसे कि यहां पर 1 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 to the power 6, तो यहां पर 1000 यहां पर दिया हुआ है, 3 times 6 दिया हुआ है, तो 10 to the power 6 आ गया। हमारा आंसर तो ये है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि 10 to the power 6 को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो जैसे ही ये पावर्स ऊपर जाती है या फिर ये पावर्स नीचे आती है, ओके, तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि 4.0 × 10 to the power ये जो पॉजिटिव की 6 है ऊपर आकर माइनस की 6 हो गई। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसका आंसर था 4.0 × 10 to the power −6। ओके, चलिए अब जैसे देखिए 40th क्वेश्चन है कि 3/4 की ऊपर घात दी हुई है 5/5 और इसकी घात दी हुई ये, तो इसमें हमें कहा गया है कि भाई इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा 3/4 to the power 5 ÷ 5 to the power 3/5। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब मैं आपको एक आपका जो चैप्टर था एल्जेब्रिक वाला, उसमें मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। क्या बताई थी कि जब ऊपर ए दिया हुआ है नीचे बी दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर 2 दी हुई है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर हम मान लीजिए पावर 2 दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, a² / b² यह मैं आपको बता चुका हूं। ओके, इसमें मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, क्या बताई थी मैंने आपको कि सपोज कीजिए a/b² है और नीचे है c/d² तो हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं a/b / c/d और ओवरऑल इसकी होल पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि सबकी सब सेम है। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको यहां से हम अगर चेंज करके लिखे हैं तो हम यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, क्योंकि ये यहां से c और d है, ये यहां पर मल्टीप्लाई करेगा और ये यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ÷ d/c और फिर हम इस सबका स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर होगा, सेम की सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। क्या होगा यहां पर, यहां पर ये होगा
ये 3/4 पे नीचे दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4/5/3 और ये सबका 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिल रहा है उसमें ये चीज दी हुई है, तो हमारा ये सही है। अगर इसको हम और भी आगे अगर चेंज करना चाहें, अगर लिखना चाहें, तो हम इसको 3/4 × 3/5 to the power 5 अगर ये कहीं पर ऑप्शन में आपको मिलता है तो आपका आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिल रही है, क्योंकि 5/3 तो मिल रहा है लेकिन 3/5 नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो ये सही था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन था। चलिए हम 41st क्वेश्चन करते हैं, 41वां क्वेश्चन क्या कहता है, अ टॉय इज परचेज्ड एट ₹1,320 इंक्लूडिंग ऑफ 5% SGST एंड 5% ऑफ CGST, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर एक तो स्टेट का जीएसटी होता है और एक होता है सेंट्रल का जीएसटी, 5% होता है, 5% यानी कि उसको बेचा गया है 1320 में, उसके अंदर CGST भी है और SGST भी साथ में है। अब ये बताइए कि उसकी एक्चुअल जो उसकी रेट थी, उसका जो एक्चुअल जो मूल्य था वो क्या था, तो देखिए ₹1,320 ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बात क्या आती है इसमें, आप थोड़ा सोचिए कि ये जो 5% SGST और 5% CGST, आप इनको मान लीजिए कि ये उनका प्रॉफिट है, मान लीजिए, सिर्फ आपको मानना है, तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया प्रॉफिट एंड लॉस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, कुछ नहीं करना था। अब 5% तो CGST है और 5% SGST है, तो कुल मिलाकर कितना परसेंटेज उसको फायदा हुआ, तो 10% और जोड़ा गया। अब हमें एक्चुअल प्राइस फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए कि उसका जो एक्चुअल प्राइस था, मान लीजिए कि जो उसका एक्चुअल प्राइस था वो था ₹1। अगर आप ₹1 वाले से सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, अगर आप सिंपल शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करना चाहो तो कुछ नहीं करना था, कि जो उसका एक्चुअल प्राइस था, जो उसका एक्चुअल प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हम जिसको कह सकते हैं, वो था मान लीजिए 100%, कितना था 100%, क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस को 100% माना जाता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि 5% + 5% 10% इसमें जोड़ दिया, यानी कि 100% में 10% जोड़ दिया, कुल मिलाकर कितना हो गया 110%, यानी कि ये जो ₹1,320 है ये 110% है, कितना परसेंट है 110%। तो और यहां पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 100%, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना था, कि इनका जो सेलिंग प्राइस था वो था 1320, लेकिन ये 1320 कितना है 110% है, ये 100% नहीं है, तो 100% कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 11 का एक बार गया और यहां पर ये एक बार गया, यहां पर पीछे दो बच्चा, दो गया यानी कि दो बार गया, यहां के 12 यानी कि ₹1,200। अगर ये सिंपल ट्रिक आपको समझ में ना आई हो तो फिर से आप क्या कर सकते हो, कि मान लीजिए उसकी उसका जो प्राइस था वो ₹1 था, उसने क्या किया इस ₹1 में ₹x × 10/100 जोड़ दिया, ओके। अब ये चीज जोड़ देने के बाद, ये चीज जोड़ देने के बाद इसका मूल्य होता है ₹1,320। अब क्या करना है हमें, 0 से 0 कैंसिल, एक्स प्लस ये आ गया ₹x/10 = ₹1,320, ये यहां पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम यहां पर इससे 1 और 10 का जो मतलब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है 10, तो 10x + x = ₹1,320, कुल मिलाकर क्या आता है 11x/10 = 1,320, ये यहां से कटकर वहां पर जाता है, तो क्या आता है 11x = ₹1,320 × 10/11, हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना था, वो कि वो कंडीशन देखो फिर से वापस बन रही है, ठीक है, सॉल्व करते तो वापस आपको ₹1,200 मिल जाते, तो आप कैसे भी कर सकते थे, आप शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते थे, और आपके जो
मेथड है उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपका आंसर जो है वो 1200 रुपए था जो कि सी था। अब क्वेश्चन दिया होता 44th, which of the following vary inversely with each other? इनवर्सली का मतलब एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टी कम होता जाएगा, ये आप जानते हो, क्योंकि जब हम इस टी को इस साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ओके, तो ये यहां पर इस प्रकार से आ जाता है। तो अब देखिए जैसे देखिए अब यहां से अगर मैं इसको हटा दूं तो ऊपर वन आ गया। अब देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, टाइम टेकन एंड स्पीड, ये हमारा आंसर था। तो इसमें हमारा जो आंसर नंबर कौन सा था, बी जो है वो सही आंसर था, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। 45, 46, 47 यानी कि ऐसे 65 क्वेश्चन तक हमें सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही खास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।